हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी पाथ विद ज्योति। आज मैं बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में मैंने ना तो गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है, ना ही मैदा का और ना ही चावल के आटे का। यूँ कहिए कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेने वालों के लिए यह अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे जाकर लाइक और कमेंट करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैंने इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम पोई साग के पत्ते लिए हैं। पोई साग कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह धो लिया है, अब इन्हें बारीक काट लेना है। देख सकते हैं मैंने इन्हें बारीक काट लिया है। मैंने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में इसलिए काटा है ताकि मिक्स करने में आसानी हो। अब इसमें मैं डालूंगी एक कटोरी बेसन और आधी कटोरी ओट्स। ये दोनों ग्लूटीन फ्री हैं, साथ ही इनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस ब्रेकफास्ट को हेल्दी के साथ टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालना है एक बारीक कटा हुआ प्याज और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक, लास्टली आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो ऑप्शनल है। अब इन सभी को मिक्स करने की बारी है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और हमें इन्हें ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि हमें इनका चीला बनाना है। तो चलिए जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इन्हें ढककर 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। तो 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे देख लेती हूँ। फिर से इन्हें 3 से 4 बार चलाकर मिक्स कर लेना है। तवा भी लो टू मीडियम हीट पर गर्म हो चुका है। अब एक छोटा चम्मच तेल डालकर चारों तरफ फैला लेना है। फिर जिस भी साइज का आप चीला बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर को डालकर इक्विवेलेंटली फैलाना है। मैं इस चम्मच से 2 चम्मच तवा पे डाल रही हूँ, फिर इन्हें मैं बराबर फैला दूंगी। पोई साग में पाए जाने वाला विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अगर आप नियमित रूप से पोई साग खाएंगे तो यह आपके शरीर में आयरन की कमी को ख़त्म कर देगा, साथ ही आपके हार्ट और ब्रेन को हेल्दी रखेगा। ओट्स भी विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का गुड सोर्स है, और बेसन में प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो यह हेल्दी हुआ ना। अब इसके चारों तरफ 1 चम्मच तेल डालकर 5 से 6 मिनट अब इसे पलट लेती हूँ और दूसरे साइड से भी सेक लेती हूँ। तो थोड़ा सा तेल डालकर इसे दूसरे साइड से भी सेक लेती हूँ, फिर इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैं पलट कर दिखाती हूँ कि यह दूसरी तरफ से भी पूरी तरह तैयार है। देखिए यह रेडी हो चुका है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है। अब मैं एक और इसी तरह बनाकर दिखा देती हूँ। Thank you.
आप सभी ने देखा कि मैंने कितनी आसानी से ग्लूटीन फ्री हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। मैंने इसे फ्रेश दही के साथ सर्व किया है। मेरी बेटी को यह चीला बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाया करती हूँ। आई होप मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरी रेसिपी ट्राई करें और अपना अनुभव कमेंट में लिखकर मुझे शेयर करें। अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।